दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रियल एंड पर्सनल राइट्स। यहाँ भी सैल्मन आते हैं, यहाँ सैल्मन बोलते हैं कि रियल राइट। देखिए सैल्मन से बताने से पहले मैं एक बात और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो भी ये क्लासिफिकेशन है बहुत बार होगा कि एक दूसरे से इंटरलिंक रहेगा कि बहुत सारे राइट ऐसा होगा जो रियल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, परफेक्ट भी हो सकता है, साथ साथ में 2-4 करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। लेकिन हम लोग इसका क्लासिफिकेशन इसलिए करते हैं सो दैट हम लोग का क्लियर कट नॉलेज हो सके। हम लोग अगर आर्ग्यू करते हैं, केस आर्ग्यू करते हैं जज के सामने, तो हम लोग परफेक्टली अपने क्लाइंट को, अपने केस को प्रेजेंट कर सके कि हमारा राइट इस कैटेगरी में पड़ सके। इसलिए हम लोग क्लासिफिकेशन को समझना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं, सैल्मन कहते हैं कि रियल राइट वो होता है जो जनरली पर्सन के ऊपर इम्पोज कर दिया जाता है ड्यूटी। जनरल पर्सन ऐसे ही कोई पार्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल के ऊपर इम्पोज नहीं किया जाता है, वो होता है रियल राइट। और पर्सनल राइट वो होता है जो कुछ नंबर ऑफ डिटर्मिनेट नंबर ऑफ पर्सन के ऊपर इम्पोज किया जाता है, वो आपका पर्सनल राइट होता है। और पर्सनल राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड है रियल राइट, कुछ नंबर ऑफ पीपल को होता है। जैसे बता दिए, जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, कोई किसी को मैंने कर्ज दिया हुआ है तो अगला वो पैसा मुझे लौटाएगा, तो ये मेरा राइट जो हो गया। ये कौन सा राइट होगा? पर्सनल राइट होगा। और मेरे पॉकेट में कुछ पैसे हैं, इसको हम जैसे चाहेंगे वैसे यूज़ कर सकेंगे, कोई भी इसको चोरी नहीं कर सकता, हमसे छीन नहीं सकता। ये मेरा कौन सा राइट हो गया? रियल राइट हो गया कि कोई भी हमारा ये डिप्राइव नहीं कर सकता है। सिमिलरली अर्लियर वीडियो में मैंने एग्जांपल दिया था राइट टू रेपुटेशन का, तो राइट टू रेपुटेशन या लिबर्टी जो भी है वो है हमारा रियल राइट कि हम एंजॉय करेंगे अपना राइट टू रेपुटेशन, एंजॉय करेंगे राइट टू लिबर्टी, एंजॉय करेंगे कोई भी इसको, तो ये रियल राइट है। और अगर कोई इसको मेरे राइट को इन्फ्रिंज करता है, कोई भी डिफेम करता है, तो कंपेंसेशन प्रोवाइड करेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि पूरा का पूरा दुनिया एक साथ में हमें डिफेम करने लगेगा, कुछ नंबर ऑफ पर्सन ही होंगे जो डिफेम करेंगे, तो उनसे मैं कंपेंसेशन ले सकता हूँ। तो ऐसे केस में जो मेरा राइट हो जाता है इसको कहा जाएगा पर्सनल राइट कि उन लोगों से पार्टिकुलर नंबर ऑफ पर्सन जो है वो हमें कंपेंसेट करेगा। ये था। देखिए रियल राइट जो होता है, रियल राइट हमेशा नेगेटिव राइट होता है। अर्लियर वीडियो में जैसे मैंने बता चुका हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव राइट में अंतर क्या होता है। रियल राइट नेगेटिव राइट होता है, मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल राइट टू रेपुटेशन है तो अगले को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि हमको राइट टू रेपुटेशन इंजॉय करना है तो अगला कुछ करे, अगले को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो रियल राइट नेगेटिव राइट करना है, नेगेटिव राइट होता है कि फॉरबियर करता है अगला। और जो हमारा पर्सनल राइट होता है ये मोस्टली पॉजिटिव राइट होता है। नेगेटिव राइट भी हो सकता है लेकिन मोस्टली पॉजिटिव राइट होता है। पर्सनल राइट का एग्जांपल समझ लीजिए कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट कुछ नंबर ऑफ पर्सन के बीच में होता है, पर्सनल राइट है मेरा। और कुछ नंबर ऑफ पर्सन 1-2 लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये पॉजिटिव है कि अगला कुछ करेगा मेरे लिए, तो ये पर्सनल है। देखिए ऐसा भी हो सकता है पर्सनल राइट है बट वो नेगेटिव राइट भी होगा। देखिए एग्जाम्पल देखिए, सपोज़ कीजिए मैं किसी का गुडविल खरीद लिया हूँ, तो ऐसे सिचुएशन में जिस पर्सन से गुडविल खरीदा हूँ वो पर्सन मेरे अगेंस्ट सेम बिजनेस में कम्पीट नहीं कर सकता है, लेकिन वर्ल्ड एट लार्ज कम्पीट कर सकता है। दूसरे पर्सन हमसे कम्पीट कर सकते हैं लेकिन वो आदमी हमसे कम्पीट नहीं कर सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में ये हमारा जो था पर्सनल राइट था, लेकिन नेगेटिव भी था कि अगला फॉरबियर कर रहा है कि अगला को ये काम नहीं करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये था रियल एंड पर्सनल राइट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।